मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ नागदा पुलिस की बड़ी कार्यवाही। 2 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ 21 वर्षीय युवक गिरफ्तार। एक बार फिर नागदा पुलिस ने अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करते हुए युवाओं में बढ़ रहे नशीले पदार्थ की तस्करी कर रहे 21 वर्षीय युवक अंकित उर्वफ अतली पिता सुरेश बौथम को करीब 2 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ करीब 2:30 बजे के करीब स्टेशन के पास गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा नागदा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 21 वर्षीय युवक अंकित गांजे की सप्लाई की फिराक में है और वो माल को रतलाम भेजने की फिराक में था। थाना प्रभारी नागदा व उनकी पूरी टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा, जिसके पास से करीब 2 किलो 600 ग्राम गांजा मिला है। पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है कि इस युवक के साथ और कौन कौन शामिल है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। नागदा पुलिस की ओर से किसी गांजा पकड़ने वाले गिरोह का मतलब हुआ था क्या, तो क्या मामला था सर? ये उसमें क्या हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन प्राप्त हुए थे कि निर्देशन प्राप्त हुए थे कि नागदा शहर में काफ़ी नशीले पदार्थ सेवन कर रहे और बेच रहे हैं। इस तारतम्य मुख्य द्वारा रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पटेल गली का रहने वाला व्यक्ति है जो रेलवे स्टेशन तरफ जाएगा और वहाँ से पूरा माल लेके गांजा जो है लेके निकलने वाला है। सूचना पर से हमारे थाने में कदस्थ फोर्स को तत्काल भेजा और लक्ष्मीबाई महाराज से रात्रि में उसको पकड़ा, मौके पर लिखापढ़ी की गई और उसके पास करीब 2 किलो 600 ग्राम गांजा मिला है और उससे पूछताछ भी की गई। इसमें यहाँ पर बेचने वाले और भी कई लोग हैं, उनके भी नाम आए, वो भी हम खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैंने जिनको PR के लिए भेजा है न्यायालय में। और जो आरोपी पकड़ा है उसका नाम है अंकित उर्फ अटली पिता सुरेश बातम रहने वाला पटेल गली का। सर कितने बजे की ये घटना थी? रात्रि की घटना है, 2:30-3 बजे की समथिंग, 2:30 बजे के आसपास। सर ये जो अपराधी पकड़ा गया है इसका कोई पहले भी प्रकरण दर्ज था? इसमें अपराधी रिकॉर्ड देखा जा रहा है अभी और लेकिन क्या बोलते हैं, PR के लिए भेजा है न्यायालय। तो PR प्राप्त होने के बाद इसमें कई लोगों के और भी नाम आए जहाँ से इसने माल खरीदा है और यहाँ भी कई लोगों को बेचा है जो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, बच्चे उनको भी बेचा है, कई थोक व्यापारियों को भी बेचा है। इस संबंध में पूरी जांच की जा रही है।